कस्टम फॉर्मेटिंग में हम एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं। अभी अभी हम आर्टिकल में आपको दिखाया, आर्टिकल में एक चीज बताया आपको कि पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड रेड होता है, एंड टेक्स, सॉरी सॉरी टेक्स होता है, रेड टेक्स होता है। तो ये होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ हम लोग कस्टम में जाते हैं, तो यहाँ हमें अगर कुछ टाइप मतलब 1524 के आगे कुछ या पीछे कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में से मैं लिखना चाहता हूं MRP, राइट, MRP लिख दिया। अब इसके आगे हम जीरो या हैश लगा देंगे तो MRP शो कर जाता है। अगर वैल्यू माइनस में, जैसे माइनस में आ गया 100, फिर भी ये माइनस MRP 100 दिख रहा है। अब मुझे चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जब माइनस में हो तो MRP ने डिस्काउंट दिख, क्या मतलब कि अगर वैल्यू अगर प्लस में लिख रहे हैं हम, तो क्या होगा वहां पे MRP शो होगा कि 1542 रुपये आपको पे करने। अगर मैंने 100 लिख दिया, माइनस 100 लिख दिया, इसका मतलब है कि 100 रुपीज डिस्काउंट है, तो MRP डिस्काउंट शो करना चाहिए। तो इसी चीज में हम इस आर्टिकल को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव और सेमी, पॉजिटिव और सेमी कोलन के साथ निगेटिव होता है, मतलब कि कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर में कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर में जो आप यहां डालते हैं ना, ये पॉजिटिव, ये स्थान पॉजिटिव का है, ये जो स्थान है ये पॉजिटिव का है। अब मैं यहां पे अगर सेमी कॉलन देता हूं, क्योंकि यहां भी सेमी कॉलन है ना, यहां आर्टिकल में, यहां पे जी सर। हम निगेटिव के लिए डाल देते हैं DIS डिस्काउंट, और फिर यहां पे हम डाल देते हैं जीरो। तो अब देखिए यहां पे डिस्काउंट और जीरो आ जाएगा। आ गया सर डिस्काउंट। यहाँ पे जी अगर हम 1500 पॉजिटिव लिखते हैं तो MRP आ रहा है, और -900 लिखा तो DIS, काउंट ठीक है। जी सर। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं जीरो लिखूं तो जीरो भी यहाँ MRP शो कर रहा है। जीरो यहाँ लिखना चाहिए फ्री, यहाँ पे फ्री लिखना चाहिए। तो आर्टिकल भी कहता है कि तीसरा पोजीशन जीरो का है। तो यहां हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आएंगे, सॉरी इसमें फॉर्मेट सेल में, और यहां पे हम तीस, यहां पे एक बार और सेमी कॉलन लगाएंगे, और इस बार इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे फ्री और फिर जीरो, सॉरी फ्री होगा ना, आर होना चाहिए ना, और यहां पे जीरो, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जीरो। यहां देखिएगा मैं सेमी कॉलन दे रहा हूं, तो सेमी कॉलन से सेग्रेट होता है। अब यहां पे देखिए फ्री हो गया, हाँ जीरो नारे थे, जीरो से जीरो आया तो फ्री हो गया। अब चौथा आता है टेक्स्ट। अगर मान लीजिए इसमें कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो ये शो नहीं करेगा, नहीं किया शो। तो मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट, यहां पे कोई टेक्स्ट लिखू तो यहां पे टेक्स्ट NA बदल जाए, वो हैश NA या NA दिखे। तो आर्टिकल कहता है कि चौथा पोजीशन जो है टेक्स्ट का है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में हम आते हैं, और यहां पे हम एक बार और सेमी कोलन डालते हैं, और यहां पे दे देते हैं NA, ठीक है NA। तो यहां पे NA आ गया, लेकिन जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, तो आपने देखिए MRP था, इसके आगे में जीरो लगाया, DIS है इसके आगे जीरो लगाया, फ्री के आगे जीरो लगाया। तो हम जानते हैं कि हैश और जीरो जब देते हैं तो हमारा डेटा शो करता है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर जब तक आप हैश या जीरो नहीं डालेंगे तब तक आपका डेटा शो नहीं करेगा। आपका डेटा क्या शो करेगा, जो आप इन्वर्टर में लिखेंगे वही शो करेगा। तो डेटा शो करने के लिए आपको हैश या जीरो लगाना है। तो NA के बाद तो टेक्स्ट है ना, क्योंकि जीरो हैश तो नंबर्स के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए तो होता नहीं है, ABCD के लिए तो होता नहीं है। तो ABCD के लिए यहां आपको एट द रेट ही लगाना पड़ेगा। एट द रेट लगाते ही जो आप टाइप करेंगे यहां शो कर जाएगा।
ठीक है। लगा सकते हैं सर वहां पे? देखिए जीरो जो होता है और हैश होता है ये नंबर के लिए होता है, और जो एट द रेट होता है वो होता है टेक्स के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल शो कर रहा हूं, इसका यूज कहां होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बायोमेट्रिक डेटा है, मेरे पास एक बायोमेट्रिक डेटा है, मतलब कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑफिस जाने के बाद आप अपना अंगूठा लगाते हैं, या आपके पास एक एक्सेस कार्ड होता है वो सटाते हैं, आपका दरवाजा खुलता है आप अंदर जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में, छोटे मोटे ऑफिस में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग गया है। बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो लोग कई बार लगा देते हैं, या फिर उसी से बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने से ही दरवाजा खुलता है। तो यहां पे आपको डेटा आ गया कि आपने कितना बार अंगूठा लगाया है, या कितना बार आपने एक्सेस कार्ड यूज किया है। इसका एक डेटा आपके एडमिन टीम ने आपको भेज दिया कि पूजा ने 1 तारीख को 5 पर अपना एक्सेस कार्ड या अंगूठा सटाया था दरवाजा खोलने के लिए, 2 तारीख को एक भी बार में। अब 2 तारीख को 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि पूजा 2 तारीख को ऑफिस में प्रेजेंट नहीं थी, तभी इसका अंगूठा पंच नहीं हुआ है या एक्सेस कार्ड पंच नहीं हुआ है। अब मुझे इसको अटेंडेंस की तरह दिखाना है कि जो नंबर है वो पी शो करे और जो 0 है वो ए शो करे। तो यहां पर तो मैंने मैनुअली टाइप कर दिया, पर मैं मैनुअली टाइप नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे नंबर्स पी बन जाए, पी शो हो और सारे 0 ए शो हो, ठीक है। तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अभी भी आर्टिकल ने बताया आपको कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और टेक्स्ट, बट मेरे पास सिर्फ 2 डेटा है, पॉजिटिव और 0। 5, 6, 7, 8, 9 जो है पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव है, और 0 है, जिसने जिस दिन नहीं आया उसका 0 है। तो हम क्या करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में, सबसे पहले तो यहां पी रखेंगे, पी रख दिए, फिर सेमी कॉलन देते हैं। अब नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव के बाद तो नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव नंबर तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं यहां पे सेमी कॉलन डालूंगा, उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, कुछ नहीं डालूंगा। उसके बाद तीसरा स्थान किसका है, 0 का है, तो यहां पे इन्वर्टर कॉमा में ए लिख दूंगा। चौथा स्थान किसका है, टेक्स्ट का है, तो मेरे पास टेक्स्ट है ही नहीं तो क्यों डालूंगा, छोड़ देता। ओके किया, देखिए अब जो पी दिख रहा है, सिर्फ ए पी दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, 5 है, बट हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया इससे हमारा विजुअल चेंज हो गया और पी जो है 5 जो है पी में कन्वर्ट हो गया, और जी जो 0 जो है ए में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसके अलावा फिल्टर को कैलकुलेशन फॉर्मूला शर्मूला जो भी होगा वो नंबर्स पे ही होगा, इसकी फॉर्मेटिंग पे नहीं होगा, ठीक है सर। समझ में आया आपको, कोई जी डाउट इसमें सर? नहीं सर, चलिए। यहाँ सर एक चीज पूछना था पूछिए। जी। जैसे वहां पे 0 लगाया ना, जैसे पी डाला, इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, वहां पे इसके जस्ट पहले जो शीट में बताया था, डिजिट के लिए 0 लगेगा, टेस्ट के लिए वो एट द रेट या कुछ, तो वहां पे 0 अप्लाई नहीं किया सर? क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 शो नहीं करना है ना सर, मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो शो नहीं करना है, उसके जगह पे पी शो करना है सर, ठीक है। यहाँ देखिए सुनिए, मैंने 1500 लिखा और मैं चाहता हूँ इसके आगे एमआरपी शो करना, तो अगर मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में आया, इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैंने एमआरपी लिख दिया ना सर, अब इसके आगे मैं 0 नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ एमआरपी लिख के शो दिया, तो यहां पे आपका 1500 शो नहीं करेगा। फिफ्टीन तो हंड्रेड को डिजिट शो शो करने करवाने के के लिए लिए 0 डाला था।
हाँ 1500 को शो कराने के लिए जीरो या हैश डालना होगा तभी शो होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जीरो या हैश डाल देता तो फिर पी और फिर फाइव ए जीरो ऐसे शो होता, क्योंकि मुझे नहीं शो करना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए। जैसे मैं यहां पे कंपनी नेम शो करना चाहता हूं, कंपनी नेम, और कंपनी नेम में यहां पे मैं लिखा आईपीटी। अब यहां पे मुझे एम स्लैश एस और यहां पे आईपीटी लिखना था, एम स्लैश एस आईपीटी लिखना था, ठीक है। हर बार एम स्लैश एस लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है एवरी टाइम, तो क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए यहां पे हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट के कस्टम में जाएंगे और यहां लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में एम स्लैश एस और फिर यहां पे एट द रेट लगा देंगे। अब यहां पे जीरो या हैश नहीं लगा सकते क्योंकि एबीसीडी है, टेक्स्ट है, ठीक है सर। क्लियर है सर। ओके करते हैं। अब यहां पे जब भी टाइप करेंगे जैसे ए सी टी आई किए, एंटर मारे, ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे एड्रेस है तो सिटी एड्रेस में आपका सिटी जो है वो एक ही है, तो हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहां हम एट द रेट और यहां डालते हैं न्यू दिल्ली स्लैश 110062 एंड ओके कर दिया। अब मुझे यहां पे जस्ट लिखना F101 लिखिए, एंटर मारिए, न्यू दिल्ली अपने आप लग गया, ठीक है सर। इसका यूज आप कर सकते हैं टेक्स्ट इसी। अब मान लीजिए कि मैं आप लोग चेक नंबर वगैरह देखते होंगे जैसे डीडी वगैरह से, मान लीजिए 1500 का चेक आपने लिया तो 1500 के बाद जितना स्पेस खाली होता है वहां यहाँ पे स्टार लग जाता है, ये चीज कैसे लगेगा। तो पहले तो आपको 1500 को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना होगा क्योंकि नंबर पे वर्क नहीं करता है, और फिर यहां पे हम कस्टम में आके क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एट द रेट डबल स्टार। हमने क्या किया, एट द रेट डबल स्टार एंड यहां पे कर दिया ओके। अब मैं कॉलम को जितना बड़ा करूंगा उतना बड़ा होगा और जितना छोटा करूंगा उतना छोटा होगा। हाँ, रियल वैल्यू 1500 है स्टार्ट। ओके उसी तरह से आप यहाँ पे अब कुछ डेट के फॉर्मेट आपको बताए थे, टाइम के भी बताए थे लास्ट क्लास में, कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी टाइम को 10 घंटे 20 मिनट को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अगर विजुअल कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, कस्टम फॉर्मेट में आइए और स्क्वायर ब्रैकेट में एम लिख दीजिए, ये आपका मिनट में शो करेगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट में एस लिख दीजिए तो ये आपका सेकंड में शो करेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो है आप जो है जो लिखेंगे वो शो करेगा, लेकिन वही है ये सिर्फ विजुअल होगा, एक्चुअल में नहीं होगा।
एक्चुअल में आपका जो है डेट और डेट है जो टाइम है वो टाइम शो करेगा, मुझे एक्चुअल में करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना होगा। टेक्स्ट हम टेक्स्ट फॉर्मूला के सप्लाई किए, इक्वल किए, टेक्स्ट टाइप किए, टैब को सर्च किए, यहां से टेक्स्ट को सर्च सेलेक्ट कीजिए एरो की से और टैब को प्रेस कीजिए, टेक्स्ट आ जाएगा। अब इस पर क्लिक किया हमने और इन्वर्टेड कॉमा में स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एम लिख दिया, एंटर मारा, अब 620 आपका एक्चुअल। ठीक है सर, शिवम जी कोई डाउट इसमें? सर ये वाला एक बार बताना आप, आपके सामने देखिए जी सर, ये एम के ये जो लगाया ना ब्रैकेट, ये क्यों लगाया सर? देखिए अगर आप सिर्फ एम लिखते हैं तो ये मिनट 20 सिर्फ दिखेगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में एम लगाते हैं तो पूरे टाइम को मिनट में कन्वर्ट करके शो करेगा। ठीक है तो सर, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाए मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 करेगा सर, अगर ब्रैकेट हटा दें तो सिर्फ 20 दिखेगा, मिनट निकाल के देगा आपको। ठीक है जी सर। अब चलिए, आपने अभी तक तो बहुत सारे चीज मैंने बहुत सारे चीज आपको बताई, मैंने कुछ आपसे पूछा नहीं। अब टाइम आता है आपका एक छोटा सा दिमागी टेस्ट लेने का। देखिए मैं काम कर रहा हूं जो कि अधूरा है उसको आपको पूरा करना है। क्या मान लीजिए मैं यहां पे पासवर्ड लिखना चाहता हूं, जैसे मैं पासवर्ड लिख दिया 85231। अभी एक्चुअल में पासवर्ड हो बट दिखे ना कि पासवर्ड वो दिखे इस तरह से स्टार स्टार स्टार, तो इसके लिए मैंने क्या किया, कस्टम फॉर्मेट में गए और यहां पे मैंने लगा दी 1 2 2 स्टार, हो गया सर? नहीं दो ही लगा दिया, दो ही लगा। ठीक है सर जी सर। अब यहां पे हम कुछ भी नंबर टाइप करेंगे, एंटर मारते हुए स्टार दिख जाएगा, तो दिखेगा स्टार बट एक्चुअल में होगा नंबर। ठीक है जी जी, तो सब समझ में आ गया कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया, कस्टम फॉर्मेटिंग में जस्ट दो स्टार लगा, लेकिन ये अधूरा है सर। अब मैं इस पे -1233 करूं तो माइनस दिख रहा है, दिख रहा है ना? या फिर मैं 123 एट द रेट 1 2 यहाँ पे देव लिख देता हूं तो नहीं हुआ, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं देव 852 नहीं हुआ। मतलब कि जब मैं नंबर लिखता हूं तो स्टार लग जाता है, नंबर के अलावा टेस्ट नंबर डालता हूं तो नहीं लगता है। अब आपके पास पूरे 23 घंटे हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इट्स चैलेंज मेरे तरफ से आपके लिए। ठीक है सर, ठीक। मैं यहां कुछ भी लिखूं तो स्टार दिखना चाहिए।